किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया वो उसके ऊपर चल रहे हैं। शांति पूर्वक रहेंगे, बैठे बोल वाले अपने 4 बजे आपको खारी कर देंगे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। 18 फरवरी का अल्टीमेटम था किसान का, तो वहीं पर किसान के सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को भी मुस्तैद किया हुआ और देखा जा सकता है। चाहे किसान ने अल्टीमेटम कितने भी दियो, लेकिन पुलिस विभाग ने अपनी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर किसान का साथ देता हुआ नजर आ रहा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर आज का जो प्लान एजेंडा है किसानों का 18 फरवरी का, सर क्या सिस्टम बताया किसानों ने? किसानों ने अपने विरोध स्वरूप 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन के लिए सुई रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन स्टार्ट किया है। एहतियातन के तौर पर पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसमें अगर डिटीरियोरेट होती है या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। सर एक्शन किस प्रकार का लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन होने की चीज़ें तो खराब होने चीज़ें लाइक तो है नहीं, पटड़ियाँ हैं। अगर फिश प्लेट या पटड़ी या इस तरह की अभी तक जो बातचीत हुई हमारी, तो इस तरह का कोई ना तो किसानों का कोई इरादा है और ना कोई मंशा दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सर पुलिस जब किसान है बार बार अल्टीमेटम दे रहे, तो सर ये क्या संविधान के अंदर देखा जा सकता है? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम नॉट द डिसाइडर। सर लेकिन एक इंसान के नाते भी, तो क्योंकि आप भी किसान आंदोलन को गहराई से समझ भी रहे हैं, प्लीज़ वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस फ्रंट। क्वेश्चन मार्क क्यों सर, क्यों? आप इंसान भी हैं, आप इन्हीं के पुत्रों में से निकले हुए आज ड्यूटी करते हैं। लेकिन सर होना चाहिए, बताना चाहिए कि आज अधिकारी क्या सोचता किसान आंदोलन के प्रति, ये आम वर्ग की लड़ाई बनते जा रही है या किसी एक समुदाय के प्रति ही देखा जा सकता आम आदमी? एट दिस स्टेज आई एम वियरिंग माई यूनिफॉर्म एंड आई एम डूइंग माई ड्यूटी एंड दिस इज ए सोशल कॉज, आई कांट स्पीक ओपनली एट दिस स्टेज। सर बात वही है सर, बोलने की आज़ादी। सर अगर आज़ादी से बोलेगा नहीं तो सर बात वो सार्थक होगी कैसे? क्योंकि सर आए किसान के पुत्र भी बने हैं, बोला जवान ना सर, किसान के पुत्र के रूप में आज आप ड्यूटी भी दे रहे, देश की सुरक्षा भी कर रहे, आंतरिक मामलों में बाहरी मामलों में आप जैसे जवान हैं जो देश की सुरक्षा कर रहे। लेकिन सर वो बोल नहीं पा रहे, सर कारण क्या है? हिंदी में जवाब दें, हिंदी की वो दादा होड़ी। मेरा हर भाई वहाँ पर बोल रहा है और आपकी हर बात का उत्तर वहाँ मिल रहा है जी, बताइए अब क्या उत्तर दूँ मैं आपको? मेरा हर भाई वहाँ पर बोलने लग रहा है, आप आराम से सुन सकते हो। उनके विरोध स्वरूप जो भी प्रदर्शन की जो बात कह रहे हैं, आप उनसे तात्पर्य निकालिए, वो स्पष्ट रूप से आपको व्यक्त कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, क्या बताते हैं। सर एक सवाल और लेता हूँ, बिल्कुल जज्बात वाला। सर दिल्ली के अंदर देखा कि लाल किले पर कहीं जवान भी पिट रहे थे और बॉर्डरों पर ऊपर देखा कि किसान भी पिट रहे थे, तो सर ये पिटने पटाने का काम होता कैसे? पिटने पिटाने का कोई कार्य नहीं होता, सभी शांतिपूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन इसमें कुछ उपद्रवी घुस जाते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है और कुछ जो शरारती तत्व हैं उनके प्रति पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है और वो सिचुएशन को ख़राब करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करते हैं, सभी एक जैसे नहीं है। उपद्रव की बात करें तो उपद्रव ये सत्ता के रूप में होता है या पार्टी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उपद्रव करने वाले भी कहीं ना कहीं फिर पक्ष के विपक्ष के चेहरे ही देखे जाते हैं। देखो कोई भी चीज़ डालने पर, कोई भी कोई कॉन्ग्रीगेशन या कोई भी समूह इकट्ठा होता है वहाँ पर हर तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ एक शरारती तत्व भी इकट्ठा होते हैं। तो सर ये जो आज एक आपने एक पुरानी कहावत सुनी है? जी जी बोलिए। अगर एक टोकरी में एक सेब गंदा होता है तो वो सबको खराब कर देता है। जी जी। तो जो कोई घटना हुई वो इसी तरह हो सकती है, घटनाएं घट सकती है, हो सकती है। सर ये घटना का पता नहीं चल पाता या गहराई तक पहुंचते नहीं है, कारण भी बताएं प्लीज, क्योंकि घटनाएं घट जाती हैं आंखों के आगे, घटनाएं घट जाती हैं और सर फिर उस पर सिर्फ लिपापोती रह जाती है, प्रशासन की हो, सत्ता की हो, पुलिस विभाग की हो, चाहे किसी की भी हो। घटना तो हमारी सभी आंखों के सामने घटती है जी, सांस भी हमारी आंखों के सामने लेते हैं और यूनिवर्स भी हमारी आंखों के सामने कर रहा है, तो पीछे से तो कुछ नहीं होता, सभी चीज़ें स्पष्ट होती है
और स्पष्ट ही उत्तर होता है, और जो भी कुछ घटता है वो पीछे से नहीं घटता, वो सभी कुछ आंखों के सामने घटता है। तो सर कह सकते हैं कि एज ए वर्दी के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, कि जो आज देश की सत्ता राजनीतिक चल रही, तो क्या देश को आगे ले जाने का काम कर रही या देश को पीछे ले जा रही? क्योंकि एज ए आज आपकी रूप में युवा तैयार भी हो रहे, आपके तीन तीन स्टार की सोच भी रहे कि मैं भी तीन तीन स्टार बने, मैं भी देश की रक्षा करूंगा, आपके रूप में ही, सर वो करें क्या? क्योंकि सर राजनीतिक जो ये दलदल बताया जा रहा, लेकिन सर देश तो उसी के अंदर उल्टा घुसता देखा जा सकता है। सर क्या क्या मानते हैं इसका? क्योंकि पुलिस भी है, आंदोलनकारी भी हैं, सब चीज़ है, लेकिन सर सही तरीके से काम नहीं हो पाता। यू आर ट्राइंग टू सर्चिंग मी आउट। PPR हमें मना करती है इस तरह के, पब्लिकली इस तरह हम नहीं बोल सकते। जो रूल मना करता है तो रूल को वायलेट करके मैं नहीं बोल सकता ऐसी ओपिनियन। ललित कुमार जी, हाँ जी, मेरा सौभाग्य रहेगा कि कभी ना बढ़ती मिले और मेरे कैमरे के आगे आए, तो मैं इनसे सवाल वैसे भी करूँगा जो एक आम नागरिक के हो सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी बजाय भी जिंदगी होती है परिवार की, बोलने की आज़ादी भी जिसको बोला जाए, तो कभी सौभाग्य बनेगा ललित जी मेरे द्वारा दर्शन होंगे जो ये वर्दी में नहीं होंगे और मैं भी कैमरे गए आगे होंगा। तो सर थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बात की लोकतंत्र की रक्षा करने वाले अधिकारियों से, क्योंकि ड्यूटी है भाई, सत्ता ने आदेश दिया हुआ, ऊपर से हाईकमान का आदेश आया हुआ कि देख रेख करनी है, कोई उपद्रवी ना घुसे, क्योंकि 26 जनवरी का कांड भी याद होगा किसानों को भी और पुलिस विभाग को भी, तो अच्छी बात है। लेकिन 12:30 हो चुके, लेकिन ये देखे किसान की एकता जब जब अल्टीमेटम दिया, जब जब प्रशासन को सत्ता के पसीने ला दिए, चाहे वो 5 मिनट का अल्टीमेटम हो, चाहे वो 4 घंटे का अल्टीमेटम हो, रेल रोको अभियान हो, चाहे कोरोना के कारण रेलें कम चलती हो, लेकिन किसान ने अपनी एकता वही दिखाई जो दिखानी चाहिए, क्योंकि इसीलिए जय जवान जय किसान के आज नारे लग रहे। सुई स्टेशन के ऊपर झंडा गाड़ने के बाद किसान का जय किसान जय जवान का नारा लग रहा, क्योंकि किसान ने तो झंडा गाड़ चुका सुई के स्टेशन पर, पुलिस विभाग में मुख्य दर्शक सब नज़रबंद, कोई फालतू नहीं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सभी हैं, टीमें हैं, काम कर रही IB CBI सब बहुत सौदा है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा, लेकिन जीत रहा तो जय किसान जय जवान का नारा जीत रहा।